हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। आज अभी सुबह से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और सुबह का 10:30 बज रहा होगा, हाँ 10:30 हो रहा होगा, क्योंकि 10 बजे तो आए हैं बच्चे के स्कूल से और अभी पूजा करके आए हैं। और सुबह नहा के जहाँ तैयार हुए किचन में आए और इनके लिए भुजिया रोटी बनाए। तो तब तक अभी देखिए इतना रोटी बनाना ही है, बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ गया तो फिर छोड़ के चले गए। अभी किचन भी रोटी अभी बना ही रहे थे तो जितना इनके काम का, इनके नाश्ता के लिए और टिफ़िन के लिए बना उतना ही बनाए, बना के फिर चले गए इनके स्कूल। ये लोग सुबह से गए हुए थे दोनों बच्चे, तो अभी बच्चों के साथ आए हैं, फिर पूजा किए हैं। पूजा नहीं कर पाए, पहले सोचे कि पहले पूजा करेंगे, बात करो तो समझ में नहीं आता किस काम के लिए ये उठाए हैं। पहले सोचे पूजा करेंगे लेकिन फ़ोन आ गया तो फिर चले गए स्कूल, वहाँ से आए हैं। तब अभी बच्चे तो एक बार दूध कॉर्नफ्लेक्स नाश्ता करके गए हैं और अभी जा रहे हैं फिर से बनाएंगे सैलेड सैंडविच। कई दिनों से वो कह रहे हैं तो आज कहें कि बना दें, कुछ बनाया नहीं है। रोटी अभी बनाना है तो अब नहीं बनाने का मन कर रहा है, तो बनाएंगे थोड़ी देर बाद बनाएंगे, यही हम लोगों के दोपहर का खाना हो जाएगा। गुड इवनिंग, पूजा का बर्तन धुले और किचन का भी जो भी थोड़ा बहुत बर्तन था, क्योंकि रोटी सब्जी बनाओ तो बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होता है। और कमरा सारा ठीक किए, बच्चे आए थे तो उनका यूनिफॉर्म इधर उधर फेंका हुआ था, उस समय नहीं हटाते तुरंत कि पसीना पसीना रहता है तो फैला के रख देते हैं, वो सब समेटे। तो अभी जा रहे जोत जलाने, आजकल सुबह वीडियो स्टार्ट हो जा रहा है और उसके बाद पूरा दोपहर गायब हो जाता है। अब फिर दोपहर में इसलिए भी नहीं बनाते कि कोई काम नहीं रहता है, बस हम लोगों का दोपहर का ये रहता है कि कभी कभार का चावल बचा रहता है बनाने का, बस चावल बनाते हैं। और दो सुबह में ही सब्जी बनी ही रहती है, रोटी बना रहता है बस दाल बना के और दाल चावल, तो इसलिए फिर दोपहर में मन नहीं करता। और दोपहर में ये हो जाता है ना कि देव को सुला देते हैं तो फिर साथ में लेट जाते हैं तो शरीर सुस्त हो जाता है, फिर काम करने का कोई भी मन नहीं करता। आजकल रेगुलर का मेरा ऐसा हो जा रहा है कि दोपहर का वीडियो गायब रहता है, दोपहर में नहीं रहता, सुबह का रहता है और सीधे शाम का शुरू होता है। तो काम भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, सुबह जितना 11 बजे तक, 11:30 कभी कभी 12 भी बज जाता है क्योंकि वीडियो डालना रहता है। तो वीडियो डालने के बाद तो आधा घंटा फ़ोन में ही काम हो जाता है, वीडियो को डालो फिर उस समय जिसका भी नोटिफिकेशन दिख जाता है सबका वीडियो वॉच करो, तो वही सब में 12 बजे तक, उसके बाद पूरा दिन मुझे कोई काम नहीं रहता। और बर्तन का भी रहता है कि एक का दुक्का बर्तन रहता है तो मैं बार बार किचन में नहीं जाती हूँ कि हर एक एक बर्तन को धुलते रहे, नहीं, अब इकट्ठा होगा तो सीधे हो जाता है कि अब जो भी दोपहर के खाना खाने के बाद, तो कभी कभी मन करता है तो खाना निकालने के बाद ही धुल देते हैं और कभी कभी नहीं मन करता तो छोड़ देते हैं तो शाम को धुलते हैं। तो आज भी बर्तन सब धुल लिए और पूजा का भी बर्तन, इधर भी नवरात्रि है तो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, वरना पूजा का बर्तन तो रेगुलर का रहता है, तो रोज़ का पूजा का बर्तन मैं शाम को ही धुलती हूँ। इस हाथ से फ़ोन पकड़ो और ये हाथ ऐसे देखो तो बहुत ज़्यादा दाहिना हाथ काम करता है, लेकिन फ़ोन पकड़िए तो इस हाथ से ज़्यादा देर तक फ़ोन नहीं पकड़ पाते हैं, तुरंत हाथ दर्द करने लगता है। बच्चे गए हैं खेलने, सोचे कि हम भी जाएंगे बाहर टहल लेंगे, कल गए थे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, सर जो भारी भारी सा रह रहा है, लेकिन आजकल मोबाइल में इतना ज़्यादा समय चला जा रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा है। और वीडियो भी सोचते हैं कि कुछ अलग बनाए वीडियो, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, जो भी व्लॉगिंग का होता है वही हो पा रहा है। बहुत कुछ सोच के रखे हैं कि इस पे वीडियो बनाएंगे, इस पे वीडियो बनाएंगे, भोजपुरी का भी एक दिन बोले थे तो भोजपुरी वाला तो फिर कैंसिल कर दिए, क्योंकि बहुत लोग तो बोले थे कि भोजपुरी में बनाइएगा बनाइएगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने कहा कि मुझे आपकी हिंदी अच्छी लगती है, कोई मतलब नहीं होता है, कुछ लोगों ने मना किया कि
नहीं भोजपुरी में नहीं बनाइएगा, हिंदी ही अच्छा लगता है, तो भोजपुरी वाला फिर कैंसिल सोच रहे हैं कि नहीं बनाएंगे। मतलब वैसे भी प्रॉपर पूरा भोजपुरी में बनाने के लिए मेरे लिए भी अब मुश्किल है कि दिन भर भोजपुरी। हाँ मायके में होते तो वहाँ बोलना मुश्किल नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि यही बोलते ही रहते हैं। यहाँ पे भोजपुरी में बोलना मेरे लिए भी मुश्किल है क्योंकि आदत नहीं है ना, तो जैसे हिंदी को रोक के फिर भोजपुरी बोलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी। लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह से मना किया कि अच्छा देखिए वही होता है कि कई लोगों ने बोला कि हाँ बना लिएगा बनाइएगा बनाइएगा, लेकिन इक्का दुक्का लोगों ने बोला कि नहीं नहीं बनाइएगा, हमें आपकी हिंदी अच्छी लगती है, भोजपुरी में बिल्कुल नहीं बनाइएगा। अच्छा उनका असर ज़्यादा हुआ, बहुत ही अच्छे वे में बोला किसी ने, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सख्त वाला किया, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये बोला कि मुझे आपकी हिंदी अच्छी लगती है। ये होता है ना कि जिसको भोजपुरी नहीं समझ में आता उसके लिए फिर ये हो जाता कि क्या बोल रही है, तो इसलिए मना किए कुछ लोग, तो लगा कि नहीं नहीं बनाते हैं, और पता नहीं क्यों पूछ दिए थे, नहीं पूछते तो फिर बनाते ही। जो जला लेते हैं और देखते हैं क्या बनाएंगे रात के खाने में, ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, रोज का सोचना क्या बनाए क्या बन। शाम वाला सबसे ज़्यादा रहता है, सुबह वाला तो रहता है ना कि सुबह इनको जाना है तो सब्जी बनाना ही है रोटी बनाना ही, शाम वाला सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, शाम वाला समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाए क्या बनाए, और रोज़ रोटी सब्जी खाने का मन भी नहीं करता, और उसके सिवाय रोज़ कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं आज, तो ये मेरा हाँ देखिए कट गया है सैलेड सैंडविच के लिए, और आज काटने में नहीं कटा, बस उसको जो जिसमें काटते हैं प्याज टमाटर बड़ा अच्छा उसमें पतला कट जाता है, तो उसी में सोचते हैं काट लिया करें, उसको निकाल के बस सेट कर रहे थे उतने में हाँ बस ऐसे ऐसे बस हो गया हल्के से, ऐसा नहीं कि काटने में कटा, और उतने में अच्छा खासा कट गया, बहुत ज़्यादा उसका मतलब बहुत ज़्यादा शार्प है, थोड़ा सा भी मतलब टच होने पे बहुत ज़्यादा कट जाता है, तो आज ये भी हो गया। दोपहर में आटा रखे थे नहीं बना पाए थे, सुबह तो रोटी बना रहे थे तो उसमें भी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि यही हाथ से लोया वोया बनाने के लिए आटा निकालना करना तो नहीं हो पा रहा था, तो देखते हैं बनाएंगे तो रोटी ही रोटी बनाए पराठा बनाए जो भी बनाए, तो बनाना तो खैर है ही, लेकिन बड़ा दर्द दे रहा है ये बहुत ज़्यादा कट गया है, तो एक दो दिन अभी आज इसीलिए लगा लिए, कल बृहस्पत हो जाएगा साबुन सरफ का काम नहीं होगा तो सूख जाएगा उतने में। चाय बनाए अपने लिए, तब तक इधर सब्जी काट लिए, तो आलू लौकी की सब्जी बना रहे हैं, सोचे थे कि पराठा बनाएंगे लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ये क्या हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा जैसे कस्सा करके इसको लगा दिए हैं तो उसकी वजह से जैसे दब जाता है तो नहीं होता ब्लड रुक जाता है कि क्या, वैसे टाइप का दर्द हो रहा है, वैसे उतना कटा नहीं है जिस तरह से दर्द हो रहा है, तो अभी सोच रहे हैं कि रोटी सब्जी बना लें उसके बाद निकालेंगे, क्योंकि उस समय ना कुछ काम करना होता है, नमक हो चाहे कुछ भी हो तो टच हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके बाद निकालेंगे, तो केवल सिंपल बना रहे हैं रोटी सब्जी, पूरी तैयारी कर लिए हैं, लहसुन भी घिस के अदरक लहसुन टमाटर मिर्चा लौकी इधर आलू प्याज, तब तक चाय बन गया तो पहले चाय पियेंगे, कुकर चढ़ा दे रहे हैं फिर चाय भी पीते रहेंगे और साथ में ये भी काम करते रहेंगे। जोत जला लिए, तो जोत थोड़ा देर में जलाए क्योंकि बच्चों को नवरात्रि का जो रहता है शाम की आरती तो बच्चे भी कराते हैं, तो दोनों आज आते हैं खेल के 7 सवा 7 के 7 बजे के से अंदर ही आ जाते हैं, तो फिर आते हैं थोड़ा देर बैठते हैं और हाथ पैर मुँह धुलते हैं, तो फिर 7:15 हो जाता है लगभग, तो तीनों लोग जोत जला लिए और फिर चाय, तो बच्चों को दूध दे दिए हैं। Thank you.
वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उस पर नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। कैसी लगती है मेरी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।